नपुंसकता का इलाज, नपुंसकता का इलाज है ये पांच योग आसन। पुरुष के प्राइवेट पार्ट का पूर्ण उत्थान ना होने की वजह से पुरुष के स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाता, ऐसी स्थिति में नपुंसकता कहा जाता है। नपुंसक व्यक्ति स्त्री से घबराने लगता है और उसे जीवन नीरस लगने लगता है। आइए हम आपको ऐसे पांच योगासन के बारे में बताते हैं जिनके रोज अभ्यास से नपुंसकता दूर भाग जाएगी। पश्चिमोत्तासन योग विधि। सबसे पहले आप जमीन पर बैठ जाएं और अपने दोनों पैरों को सामने फैलाएं, पीठ की पेशियों को ढीला छोड़ दें और सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर लेकर जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके आपको अपने हाथ से पैर की उंगलियों को पकड़ने का और नाक को घुटने से सटाने का प्रयास करना है। धीरे धीरे सांस लें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें और अपने हिसाब से इसे अभ्यास को धारण करें। धीरे धीरे इसकी अवधि की बढ़ाते रहें। ये एक चक्र हुआ है, इस तरह से आप 3 में से 5 चक्र करें। उत्तासन। सबसे पहले एक समतल जगह पर दरी बिछाकर खड़े हो जाएं, अपने पैरों को थोड़ी दूरी पर रखें और कंधे को एकदम सीधा रखें। आप जब खड़े रहेंगे तो शक्तिशाली तरीके से खड़े रहें, अपने पैरों के पंजे पर अपना वजन नियंत्रित रखें। अब सामान्य तरीके से सांस लें और कमर से नीचे की ओर झुक जाएं। आपको इस तरह से झुकना है कि आपका सीना आपके घुटनों को छुए, ना छुए फिर भी कोई कोशिश जारी रखें। इसी स्थिति में रहते हुए वक्त आपके घुटने सीधे रहने चाहिए। इस आसन के दौरान अपनी आँख को बंद ना करें। इस आसन के सामान्य स्थिति में आने के लिए अपने हाथों को नितंब पर रख कर सहारा दें और सांस लेते हुए पहले की अवस्था में आ जाएं। वरद कोष आसन। सीधे बैठें और अपने पैरों को स्ट्रेच करें। अब सांस लें और अपने घुटनों को इस तरह से मोड़ें कि आपकी एडी पेल्विक मसल्स की तरफ हो। अब आप अपनी हड्डियों को पेलिस के पास जितना ला सकते हैं लाएं। अब आप अपने हाथ के अंगूठे और अपनी पहली उंगली का इस्तेमाल करते हुए अपने पैर के अंगूठे को पकड़े। ध्यान दें अपने पैरों के बाहरी किनारों को हमेशा फर्श पर बनाए रखें। ध्यान रहे आपके कंधे और कमर सीधी मुद्रा में हो। आप जांघ की हड्डियों को जमीन से स्पर्श करने की कोशिश करें। ऐसा करने से अपने आप आपके घुटनों की जरूरत के हिसाब से नीचे झुकेंगे। इस मुद्रा में 1 से 5 मिनट तक रहें। सांस लें और अपने घुटनों को उठाएं और पैरों को फैलाएं। जानू शीर्षासन। पैरों के सामने की ओर सीधे फैलाते हुए बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, बाएं घुटने को मुड़े, बाएं पैर के तलवे की दाहिनी जांघ के पास रखें, बाएं घुटना जमीन पर रहे, सांस भरे, दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठे खींच कर और कमर को दाहिनी तरफ घुमाएं। सांस छोड़ते हुए कूल्हों को जोर से आगे झुकें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए टूटी के पंजों की ओर बढ़ाएं। अगर संभव हो तो अपने पैरों के अंगूठों को पकड़े कोहनी को जमीन पर लगाएं, उंगलियों को खींचते हुए आगे की ओर बढ़े। सांस रोके, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए ऊपर उठे, हाथों को बगल से नीचे ले आए। पूरी प्रक्रिया के दाएं बाएं के साथ दोहराएं। धनुरासन। पेट के बल लेट कर पैरों में नितंब जितना फासला रखें और दोनों हाथ शरीर के दोनों ओर सीधे रखें। घुटनों को मोड़कर कमर के पास लें और घुटिका को हाथों से पकड़े, सांस भरते हुए छाती को जमीन से ऊपर उठाए और पैरों को कमर की ओर खींचे। चेहरे पर मुस्कान रखते हुए सामने देखिए। ऋषोसन पर ध्यान रखते हुए आसन में स्थिर रहें। अब आपका शरीर धनुष की तरह कसा हुआ है। लंबी गहरी सांस लेते हुए आसन में विश्राम करें। सावधानी बरतें, आसन आपकी क्षमता के अनुसार ही करें। जरूरत से ज़्यादा शरीर को ना कसें। 15 से 20 सेकंड बाद सांस छोड़ते हुए पैर और छाती को धीरे धीरे जमीन पर वापस लाएं। घुटिका को छोड़ते हुए विश्राम करें।